आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन की शुरुआत होती है और इसमें सबसे पहले बोली लगती है कैप्ड बल्लेबाजों की, उसके बाद लगती है कैप्ड विकेटकीपर बल्लेबाज, फिर आते हैं तेज गेंदबाज जो कैप्ड है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, फिर बोली लगती है ऑलराउंडर की और साथ में आखिर में बोली लगती है कैप्ड स्पिन खिलाड़ियों की। इन 5 सेटों की बोली लगती है। इन 5 सेटों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि केन विलियमसन अनसोल्ड, पृथ्वी शॉ अनसोल्ड, मयंक अग्रवाल अनसोल्ड, साथ में अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड, भुवनेश्वर कुमार पर कह सकते हैं आरसीबी ने पूरा पैसा ही खोल दिया। कितने पैसे मिले भुवनेश्वर कुमार को और साथ में मुंबई इंडियंस ने किन किन खिलाड़ियों को खरीदा है, आरसीबी के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने किस पर पानी की तरह पैसा बहाया, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। पहले बात कर लेते हैं कैप्ड बल्लेबाजों की और कौन कौन से इसमें अनसोल्ड रहे हैं। अगर बात करें पहले अनसोल्ड खिलाड़ियों की तो इसमें पहला नाम आता है अजिंक्य रहाणे का, फिर है केन विलियमसन का, फिर है मयंक अग्रवाल, ग्लेन फिलिप्स और पृथ्वी शॉ। ये 5 नाम है जो अनसोल्ड गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि पंजाब किंग्स पृथ्वी शॉ को खरीद सकती है क्योंकि रिकी पोंटिंग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर बात करें खरीदने वाले प्लेयरों की जिनकी बोली लगी है तो उसमें पहला नाम किसी और का नहीं, वो आता है फॉफ डुप्लेसी का, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने मात्र 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। पिछली बार 7 करोड़ के आसपास उनकी रकम थी, आरसीबी के कैप्टन थे, आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाया था, अब दिल्ली में 2 करोड़ रुपए में खेलेंगे। फिलहाल आरसीबी ने आरटीएम का प्रयोग करने से भी सीधे मना कर दिया है। और इसी में एक प्लेयर की खरीदारी केकेआर ने की, वो नाम है रोमन पावल का। रोमन पावल को केकेआर ने बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया। रोमन पावल को मात्र केकेआर ने 1.5 करोड़ रुपए दिया और के तौर पर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कैप्ड ऑलराउंडरों की। इसमें पहला नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। ठाकुर साहब अनसोल्ड चले गए, मतलब दिल्ली को चैंपियन बनाने के ख्वाब देखे, सीएसके पहुंचे और अब अनसोल्ड, यानी ये दिखाता है कि अगर भैया आप प्रदर्शन अच्छा नहीं करते हो तो आपके खरीदार नहीं मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा नाम इसमें और शामिल है जिससे अनसोल्ड रहा, वो है डेरियल मिचेल का, जिसे पिछली बार कह सकते हैं सीएसके ने भर भर के पैसे दिए थे, इस बार उसने उन पर इंटरेस्ट ही नहीं जगाया। लेकिन बिकने वाले खिलाड़ी अच्छे हैं, वॉशिंगटन सुंदर जो लगातार हैदराबाद का हिस्सा थे लेकिन इस बार सुंदर को किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात ने खरीदा है, नेहरा जी की कोचिंग में अब वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। सुंदर को उन्होंने मात्र 2-3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं। वहीं सैम करन जो पिछली बार के तीसरे हाईएस्ट पैसा लेने वाले खिलाड़ी थे, सैम करन को बहुत कम रकम मिली है और वो गए हैं सीएसके यानी अपनी पुरानी होम टीम के पास। सैम करन को मात्र चेन्नई ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद इस लिस्ट में 3 नाम बचते हैं। मार्को यानसन का नाम बचता है, कुणाल पांड्या का और नीतीश राणा का। मार्को यानसन पर खूब पैसे लगाए गए, मुंबई बिट कर रही थी, लगातार पंजाब बिट कर रही थी और आखिर में आकर पंजाब ने 7 करोड़ रुपए में मार्को यानसन को खरीद लिया। मार्को यानसन के बाद बोली लगती है कुणाल पांड्या की। कुणाल पांड्या की बोली शुरू होती है राजस्थान और साथ में आरसीबी के जरिए। आरसीबी राजस्थान लगातार बिट करते हैं और मामला पहुंच जाता है 5 करोड़ 75 लाख रुपए तक और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स से पूछा जाता है क्या आपको आरटीएम करना है, इस पर लखनऊ सीधे तौर पर मना कर देती है और फिर लखनऊ ने मना किया तो कुणाल पांड्या पहुंच गए आरसीबी, अब आरसीबी से खेलेंगे। आखिरी बोली लगती है नीतीश राणा की। केकेआर पर सबकी निगाहें थी लेकिन केकेआर ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लगता था उन्हें कि उन्हें किसी और की तलाश है और केकेआर की बिल्डिंग जब बिडिंग नहीं हुई तो सीएसके और राजस्थान काफी देर तक इस पर भिड़ंत चली लेकिन आखिर में आकर राजस्थान ने यहां पर बाजी मार ली। राजस्थान बहुत सस्ते में 4 करोड़ 20 लाख रुपए में नीतीश राणा को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अगर बात करें कैप्ड विकेटकीपर बल्लेबाजों की टीम में शुरुआत में कई सारे नाम आते हैं। साई होप का नाम आता है, एलेक्स कैरी का नाम आता है, साथ में केएस भरत का नाम आता है, सब कह सकते हैं अनसोल्ड जाते हैं। और इसमें सबसे पहले बोली लगती है जिसकी, वो है रियान लेक्ट्रोन, जिन्हें खरीदा जाता है मुंबई के जरिए। मुंबई ने मात्र 1 करोड़ रुपए में रियान को अपने साथ जोड़ लेती है क्योंकि वो मुंबई या कहीं एमआई केप टाउन के लिए हिस्सा रहे हैं वहां पर जब साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग चलती है। दूसरी खरीदारी होती है वो है जोश इंग्लिस की, जिन्हें पंजाब ने मात्र 2 करोड़ 60 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया है। ये तो हो गए कैप्ड विकेटकीपर बल्लेबाज। सिर्फ 2 खिलाड़ी बिकते हैं, एक मुंबई लेती है, एक पंजाब लेती है। अब बारी आती है तेज गेंदबाज, जिन पर सबकी निगाहें थी। भुवनेश्वर इसी में थे, कह सकते हैं तुषार देशपांडे इसी में है, सारे बड़े नाम इसमें शामिल थे। चलिए आपको विस्तार से बताता हूं कि भुवनेश्वर को किसने खरीदा। बोली शुरू होती है तुषार देशपांडे से। तुषार को यहां पर कई सारी टीमें लगती हैं, सबसे पहले शुरुआत सीएसके करती है। सीएसके चाहती तुषार वापस आ जाए लेकिन राजस्थान छोड़ने के मूड में नहीं होती है और तुषार पर राजस्थान की टीम ने मात्र 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किया और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। यहां पर सीएसके के पास आरटीएम नहीं था जिस वजह से उन्होंने आरटीएम का प्रयोग नहीं किया और तुषार देशपांडे इस बार राजस्थान के लिए खेलेंगे। दूसरी बोली शुरू होती है गेराल्ड कोटजी की, जिन्हें गुजरात ने मात्र 2 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लेती है। मुंबई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लखनऊ थोड़ी देर जरूर वेट करती है। इसके बाद तीसरी बोली आती है, वो बोली किसी और की नहीं, भुवनेश्वर कुमार की होती है। शुरुआत होती है मुंबई बनाम लखनऊ। मुंबई पहुंचती है 10 करोड़ तक,
लखनऊ लगाती है 10 करोड़ 25 लाख, उसके बाद लगती है बोली 10 करोड़ 50 लाख की, फिर आरसीबी सीधे आती है 10 करोड़ 75 लाख लगाती है, और यहीं से लखनऊ पीछे हो जाती है, मुंबई पीछे हो जाती है, और चले जाते हैं भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के पास। सब कोई ये कह रहा था शुरुआत से कि इस बार आरसीबी की पूरा जो टारगेट है वो तेज गेंदबाजी पर भुवनेश्वर कुमार के इर्द गिर्द बुनना चाहती है। इसके बाद बोली शुरू होती है मुकेश कुमार की, मुकेश कुमार पर कई सारी टीमें दांव लगाती हैं, कह सकते हैं पंजाब ने पूरा फाइनल कर दिया था, लेकिन दिल्ली ने उस पर आरटीएम का प्रयोग किया, 8 करोड़ की बोली लगती है और फिर मुकेश कुमार पहुंच जाते हैं दिल्ली। इसके बाद बोली लगती है दीपक चहर की, सबको लगा था माही के लाडले को सीएसके करोड़ों रुपए देके खरीदेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार बोली सीएसके और कह सकते हैं कि मुंबई के बीच चलती रही, बोली पहुंच गई 9 करोड़ 25 लाख रुपए, सीएसके बिड छोड़ चुकी थी और इस बिड को मुंबई ने जीता मात्र 9 करोड़ 25 लाख रुपए में। अब उनके पास 3 बेहतरीन टॉप क्लास गेंदबाज हो चुके हैं, बोल्ट, बुमराह और दीपक चहर। अगर शुरुआत बोल्ट और दीपक चहर ने कर दिया ना, सामने कोई भी बल्लेबाज जो रन नहीं बना सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके बाद बोली लगती है वो नाम है आकाशदीप का, आकाशदीप को लखनऊ ने 8 करोड़ रुपए में खरीद लिया, वहीं लॉकी फर्गुसन को पंजाब ने मात्र 2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। तो ये वो बड़े 5 नाम थे जिन पर सबकी निगाहें थी, और यहाँ पर बाजी सबसे बढ़िया आरसीबी और कह सकते हैं कि मुंबई ने मारी है। इसके बाद आखिरी सेट होता है वो है कैप्ड स्पिन गेंदबाज, इसमें शुरुआत होती है मुजीब से, जो अनसोल्ड जाते हैं, जो पिछली बार गुजरात के पास थे लेकिन इस बार उन्हें नहीं खरीदा गया। इसके बाद आदिल रशीद अनसोल्ड जाते हैं, वहीं साथ में अकील हुसैन जो वेस्ट इंडीज के वो भी अनसोल्ड जाते हैं। इसमें एक खिलाड़ी बिकता है वो है गुरंदबाज, ये खिलाड़ी है अफगानिस्तान का, और इस पर केकेआर ने शुरुआत में बिट की थी क्योंकि केकेआर के पास पिछली बार थे, और इस बार इन्हें मात्र 4 करोड़ 80 लाख रुपए में किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई ने खरीदा है, और एक ही स्पिन डिपार्टमेंट जो कैप्ड था वो बिका है। तो IPL से जुड़ी ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।